कितना सारा इन्होंने अमूल बटर डाल दिया। अभी इसके अंदर ये चीज़ भी डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी बेहतरीन हो जाता है। ये देखिए लग गई है हमारी प्लेट, जिसके अंदर पाव भी अमूल बटर के अंदर सेक के करारे कर दिए इन्होंने। ये देखिए अब डल रहा है चीज़ आया है जिससे स्वाद और भी इसका लाजवाब हो जाएगा। और ये ऊपर से इन्होंने डाल दिया धनिया, गार्निश कर दिया धनिया, और साथ में हमारे सीतू भाई ने प्याज भी डाल दिए, और साथ में ये प्याज के ऊपर डाल रहे हैं हरी चटनी। अगर आप दिल्ली में हो और अगर द्वारका की तरफ से गुजर रहे हो, और अगर आप गूगल से भी पूछो कि दिल्ली में द्वारका में सबसे बेस्ट पाव भाजी कहाँ मिलती है, तो जो है गूगल भी आपको सिर्फ फिंगर लिकर्स का नाम बताएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फिंगर लिकर्स। जैसे कि इन्होंने अपना नाम रखा है फिंगर लिकर्स, यानी कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे इनकी पाव भाजी खा के। क्या है बेसिकली, ये जो डील करते हैं बिल्कुल आपको बॉम्बे वाला स्वाद, बॉम्बे वाला टेस्ट बिल्कुल दिल्ली के अंदर दे देते हैं। तो आइए चलते हैं हम इनके स्टाफ से बात करने की कैसे इनका प्रोसेस है, कि इन्होंने इतने सालों से अपना टेस्ट इतना मेंटेन कर रखा है कि डेली अच्छे से अच्छी सेल करते हैं और अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं गाइज। ये है फिंगर लिकर्स का मेनू। एक बार ना वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लो, क्योंकि इसमें यहाँ पे इनका एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है, और इनकी जो है इनका जो मेनू, जो इनकी स्पेशलिटी है बॉम्बे पाव भाजी, ये देख सकते हैं आप, इतने सारे ऑप्शंस हैं। हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं आज बटर चीज़ पाव भाजी, और दूसरा हम इनका एक बार टेस्ट करेंगे बॉम्बे वड़ा पाव। क्योंकि भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है। बाबूलाल जी, बाबूलाल जी कितने टाइम से हैं आप यहाँ पे? दो तीन साल हो गया आपको। तो बाबूलाल जी मतलब क्या टेस्ट है यहाँ पे, कि गूगल से भी पूछो तो गूगल कहता है भैया फिंगर लिकर्स की पाव भाजी खानी है आपने। तो क्या क्या डालते हैं आप अपनी पाव भाजी में, जरा हमारी ऑडियंस को बताइए। मसाला जो आता है वो तो डालते ही हैं, अपना खुद से मसाला बना के डालते हैं। अच्छा, खुद से मसाला आप बना के डालते हैं इसमें? और दिन में मतलब कितनी प्लेट आपकी जो है वो पाव भाजी की निकल जाती है? उसकी तो कोई गिनती नहीं है सर। अच्छा, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, बाबूलाल जी भी हमारे कह रहे हैं कोई गिनती नहीं है कि कितनी भी पाव भाजी जो है वो निकल जाती है यहाँ पे दिन में। क्लाइंट है तो हम हैं, कस्टमर है तो हम हैं। ओके, अगर कस्टमर नहीं है तो हमारा होने का भी फायदा नहीं। टैगलाइन भी है, दिल्ली टू बॉम्बे 0 किलोमीटर। ओके, दिल्ली टू बॉम्बे 0 किलोमीटर। नाइस। द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग। जब तक हम कुछ अच्छा रॉ मटेरियल नहीं डालेंगे, हमारा टेस्ट नहीं निकलेगा। ओके, आप स्पेशल मसालास यूज करो, प्योर मसालास यूज करो, और मसाले को अपने खुद पीसो रादर देन प्रोक्योरिंग। तो आपके जो ऑलरेडी मैश मसालास आते हैं या पाउडर फॉर्म में आते हैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी ब्रांड, बट कहीं ना कहीं वो जो कंटेंट होता है वो प्योर नहीं होता। तो अगर आप अपने प्योर मसाले लेके खुद पीसेंगे और बनाएंगे, तो उसके मसालों का जो एरोमा होगा, खुशबू होगा, प्योरिटी वो अलग ही होगी। ओके, तो सर आपने ये स्टार्ट कब किया था, कितना टाइम हो गया फिर? आई स्टार्टेड दिस आउटलेट इन 2011। ओके, और यहीं से आपने स्टार्ट किया था? आई स्टार्टेड इन 2011 विद अ कार्ट। After that, after 1 year, it converted into outlet. And till now, at present, we are available at Dwarka as well as in Shalimar Bagh. So next item, हमारी जो authentic, जिसको हम मुंबई का नाश्ता बोला जाता है, अच्छा, जो हमारे दिल्ली वाले, मतलब आप समझें कि दिल्ली से मुंबई 1300 किलोमीटर है, वो 1300 किलोमीटर वाली चीज आपको दिल्ली में ला के दी है, authentic वड़ा पाव में। Authentic वड़ा पाव। And फिर different taste की बात आई, तो जो पाव है, ये हमारे नॉर्मल पाव नहीं है। Okay. जो लादी पाव होता है, शुगर फ्री, ये ऑथेंटिक लादी पाव है। Okay. आप इसकी सॉफ्टनेस देखना, अच्छा, बिल्कुल आपको ऐसा रुई की तरह पाव मिलेगा। तो मैं मैसेज कस्टमर तक पहुंचाना चाहता हूँ। कस्टमर को किसी ने कमेंट किया था कि ये जो भाजी का कलर है रेडिश फॉर्म में आ रहा है, तो कोई आर्टिफिशियल कलर ऐड किया हुआ है। ओके, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। Okay. एक स्पेशल मिर्ची आती है, आप सब लोग जाएं विजिट कर सकते हैं खारी बावली से मसाले के साथ। मिर्ची मार्केट में सारी मिर्ची अवेलेबल है। बिल्कुल। इट इज हाउ यू वांट टू डिलीवर, व्हाट एग्जैक्टली टेस्ट यू वांट। ओके। हमेशा जो क्या होता है, जो टेस्ट होता है ना, हाँ, वो मिर्ची के बीच में होता है। ओके। हम उसको जितना मिर्ची के बीच में जितना पीसेंगे, उसका उतना टेस्ट बाहर निकल कर आएगा। जो उसका आउटर शेल होता है, जो लीफ होती है, ड्राई लीफ होती है, वो आपको एग्जैक्ट कलर देती है। ओके, जिससे हमारा जो एग्जैक्ट प्योर इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं, उससे भाजी का कलर आ रहा है। तो गाइस, जिन भी लोगों को डाउट था आज तक, कश्मीरी मिर्च कहते हैं, कश्मीरी मिर्च जी, तो जिन भी लोगों को डाउट था आज तक, जो लोग कहते थे कि मतलब इनकी पाव भाजी में कलर है, इनकी पाव भाजी में ये कुछ मिलाते हैं, तो गाइस सचिन मेहता जो फिंगर लिकर्स के ऑनर है, उन्होंने खुद क्लियर किया है ये डाउट। गाइस इतनी सारी बातें सुन के देखो, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, मैं अब जाके टेस्ट करने वाला हूँ बॉम्बे की पाव भाजी और वड़ा पाव।
तो आइए अब आपको लेके चलते हैं पाव भाजी और वड़ा पाव टेस्ट कराने। तो सीतू भाई, ये जो चीज़ आती है कौन सी कंपनी का यूज़ करते हो? ये भी अमूल का यूज़ करते हो। देखिए गाइस, ये कि बिल्कुल टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये सीतू भाई चटनी किस चीज़ की है? गार्लिक पेस्ट जो ये इन्होंने लगाया, गार्लिक पेस्ट जो बॉम्बे वाला टेस्ट देता है, यही होता है बॉम्बे की स्पेशलिटी में। ये बॉम्बे का भाई, ये देखिए हमारा दोनों ऑर्डर लग के रेडी हैं। ये हमारी चीज़ बटर पाव भाजी है और साथ में हमारा चीज़ वड़ा पाव है। तो आइए चलिए, पहले मैं आपको पाव भाजी का एक बार टेस्ट करके बताता हूँ कि यहाँ पे आना, जैसे कि ये बता रहे हैं, बॉम्बे का टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये पाव देखिए कितने करारे सेके हुए हैं उन्होंने, और ये भाजी के ऊपर तैरता हुआ चीज़ और अमूल बटर, साथ में इन्होंने हरी चटनी और प्याज भी दिया है। गाइस सच में अमूल बटर का और जो इन्होंने चीज़ हमें बताई थी कि बॉम्बे का टेस्ट देते, वो बिल्कुल आ रहा है। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। मैं अपने भाइयों से और जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप द्वारका की साइड आएँ तो फिंगर लिकर्स को एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें, और जो इनकी स्पेशलिटी है चीज़ पाव भाजी और साथ में चीज़ वड़ा पाव, वो ज़रूर टेस्ट करें। मैं सच बता रहा हूँ, आपका आना वर्दी रहेगा। अब दूसरी चीज़ जो है मैं रिव्यू करता हूँ, चीज़ वड़ा पाव। आप ये देख सकते हैं कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दो दो चीज़ लगाए, ऊपर से चीज़ आ रहा है पूरा, और इनका जो अंदर का मसाला लग रहा है वो देखने में ही कितना बेहतरीन लग रहा है। गाइस जो वड़े में टेस्ट है बहुत लाजवाब है, बहुत ही यूनिक टेस्ट है, और बिल्कुल बॉम्बे वाला टेस्ट इसके अंदर आ रहा है, और साथ में हरी मिर्च दी है। मैं मिर्च ज़्यादा नहीं खाता तो मैं नहीं टेस्ट करूँगा, पर जो चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है इसमें, एक बार ज़रूर मौका देना। गाइस अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमें ज़रूर बताना आपके नियर बाय ऐसा कोई प्लेस है जिसका टेस्ट एकदम यूनिक है और एकदम मतलब लाजवाब है, तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम लोग वहाँ पे ज़रूर विज़िट करेंगे।